आज के वीडियो का टाइटल थोड़ा अलग दिखा होगा, ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। इसके पीछे लॉजिक है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, भविष्य का सवाल है और सारे टेंशन दूर होने वाले हैं। आपको पता होगा कि एडमिशन जिन बच्चों ने 2023-24 में किया है, इस बार ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का थोड़ा सा प्रोसेस बदला हुआ है। प्रोसेस बदलते ही ढेर सारी समस्याएं आ गई। किसी का आधार कार्ड किसी के साथ एसोसिएट है, किसी का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है, किसी का मोबाइल नंबर बंद हो गया है जो एडमिशन के टाइम पे दिया था। यानी समस्याओं की भरमार है, और ऐसे में ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट और जो DGTR लगे हुए हैं इस पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ही उत्तर प्रदेश की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, और मैं बता दूं कि ये जो कार्रवाई होने वाली है, यहाँ पर आप देखोगे, मैं गूगल फॉर्म दिखाता हूँ आपको, जैसे क्या चीज़ें हैं। ITI अप्लीकेशन सेक्शन नॉट डिस्प्लेइंग, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया बट आपके ITI का नाम नहीं दिखा रहा है आपके प्रोफाइल में। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आपका फोटो और नाम नहीं आ रहा प्रोफाइल पर, ठीक है, या फिर किसी और की फोटो आ जाए, है ना, किसी और बच्चे की फोटो आ गई आपकी जगह और नाम आपका दिखा रहा हो या फोटो किसी और का, इस तरह से चीज़ें हो रही है। या फिर आपका जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, आपने प्रधानमंत्री कौशल वगैरह में SID पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया था, अब आप ITI में करना चाह रहे हैं, दिक्कत हो रही है, ठीक है। या फिर आपका आधार नंबर किसी और बच्चे के साथ हो रहा है, मतलब दिखा रहा है कि आपका आधार नंबर किसी और के साथ रजिस्टर्ड है जबकि ऐसा ना हो, है ना। या फिर जो बच्चा लॉग इन करना चाह रहा है, ID पासवर्ड बनाना चाह रहा है अपने मोबाइल नंबर से, लेकिन बन ही नहीं रहा है, कुछ 401 कुछ इस तरह से एरर आता है और बंद हो जाता है, मतलब उसका पासवर्ड ही नहीं बन पा रहा है, मोबाइल नंबर ही नहीं रजिस्टर्ड हो पा रहा है SID पोर्टल पर। या फिर ऐसे बच्चे जिनका मोबाइल नंबर बंद हो गया, पहले ITI के फॉर्म में कुछ और दिए थे, अभी क्या है मोबाइल नंबर ही बंद हो गया, किसी और को अलॉट हो गया, या वो चालू कराना संभव नहीं है। अब देखिए, ये इतनी सारी समस्याएं हैं जो शायद आप में से बहुत बच्चों को आ भी रही होंगी। मेरे यहाँ भी इसमें से दो तीन समस्याएं मेरे यहाँ भी है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक गूगल फॉर्म जारी किया गया है, जिसमें सभी ITI कॉलेज अपने डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, एक एक बच्चे की जिसकी समस्या है जिससे रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि गूगल फॉर्म दिया गया है, आवश्यक जो भी उसमें चीज़ें हैं उसको भरना है और परिषद को उपलब्ध कराना है। और ये कब तक कर लेना है, ये करना भाई 21 मार्च से पहले, 2:30 बजे से पहले। तो अब ऐसे में आप क्या करो, आप ढूंढोगे सर लिंक दे दो, भाई ये आपको नहीं करना, ITI कॉलेज को करना। तो आप फटाफट देखिए, यहाँ पर लिखा है सभी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज जो भी हैं, जिनके बच्चों का रोल नंबर नहीं जनरेट हो रहा है, जिन्होंने एडमिशन लिया है जो 2023 में, और उनके बच्चों का रोल नंबर नहीं जनरेट हो रहा है, आपको पता है कि 30 मार्च तक जो है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कर लेना है। अब उसके बाद तो आपका नहीं होगा, तो उसके पहले क्या करना है, उसके पहले आपको अगर ये जितनी भी प्रॉब्लम मैं बताया हूँ उन प्रॉब्लम्स के लिए गूगल फॉर्म जारी कर दिया गया है, और सभी ITI कॉलेज जो हैं सीरियस होके भाई इसको करेंगे। और ऐसे में बच्चे की भी जिम्मेदारी है कि अपने कॉलेज पर आप जाओ, बताओ कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, जितनी प्रॉब्लम है मैंने आपको बता दिया। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का, हर राज्य का अपना होता है ना एडमिशन, राज्य लेता है फिर NCVT को भेजता है, तो ये लेटर स्टेट गवर्नमेंट का है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से एक्शन ले रही है, ये कह रही भाई हमें डेटा दो, इस प्रकार से समस्याएं आपको जो भी हो रही हैं आप हमें ये सब भर के दो, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट NCVT को ये समस्याएं बता सकेगी और NCVT फिर उसका रास्ता देगा। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो फॉर्म मैं दिखा रहा हूँ ये आपको नहीं फिलअप करना है, किसको करना है, ITI कॉलेज को करना है। तो इसलिए मैं इसमें डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्या क्या देना है, जैसे ITI कॉलेज का NCVT कोड है, SCVT कोड है, ठीक है, स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो बच्चे का मिला है, उसके बाद बच्चे का नाम क्या है, उसका PRN जनरेट हुआ नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेनी लॉगिन ID, ठीक है, तो ये पासवर्ड, ये सब चीज़ें क्या है, लॉगिन ID पासवर्ड, ये सब चीज़ें बच्चों की है, लेकिन इस फॉर्म को, गूगल फॉर्म को बच्चों की जगह कॉलेज फिलअप करेगा। जैसे किसी को मैंने बता दें, किसी की फ़ोटो में प्रॉब्लम है, किसी का, सबके लिए अलग अलग गूगल फॉर्म है, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए, ये वाला आप देख लो लास्ट वाला, कि आपने मोबाइल नंबर से लॉगिन बना पासवर्ड बनाना चाह रहे हो, बन ही नहीं रहा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा, तो इसमें नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कि आप कैसे बना रहे हो, भाई डायरेक्ट बना रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट मोबाइल से बना रहे हो, ITI फॉर्म में जो रजिस्टर्ड है उससे बना रहे हो, ठीक है, तो रिक्वेस्ट फेरर 401 का एरर आ रहा है या इनवैलिड मोबाइल नंबर बता रहा है, तो ये सब ऑप्शन दिए हुए, सब ऑप्शन टिक करना है आपको, फिर सबमिट कर देना, बहुत ईजी फॉर्म है। बट सभी बच्चे अपने अपने कॉलेज संपर्क करके ये काम करवा लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप वीडियो देख रहे हो ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर, ITI जुड़ी सभी अपडेट्स, उसके अलावा आपको एग्जामिनेशन की तैयारी हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की अपडेट हो, आपको सब कुछ एक ही चैनल पर मिल जाता है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अन्य ITI स्टूडेंट्स को भी जरूर बताइएगा।
ग्लोबल आईटी का टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 60,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, तो जो भी पीडीएफ और कंटेंट ऐसी चीज़ें आती हैं वो सब हम यहाँ पर शेयर भी करते रहते हैं। कई बार आपकी वीडियो मिस भी हो जाए तो टेलीग्राम में आपको सब कुछ मिल जाता है। उसके अलावा ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी है, जहाँ पर हम अच्छे से आपको चैप्टर वाइज बेसिक से पढ़ाते हैं। जैसे आप एक क्लासरूम में पढ़ते हो, एक कॉलेज में आप पढ़ते हो ना, आपको ये सब्जेक्ट है, थ्योरी पढ़ना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, स्केल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, चैप्टर वन से पहली हेडिंग शुरू करते हैं, इस तरह से आपको पूरा बेसिक से पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें जो है आप कर सकते हो। तीन चीज़ें याद रखिए, ग्लोबल आईटीआई का 3 प्लेटफॉर्म, ग्लोबल आईटीआई का यूट्यूब चैनल, ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट भी है, जहाँ पर निःशुल्क आप जो है पीडीएफ कंटेंट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। globalITI.org, आईटीआई कोर्स यहाँ पर सब बनाया गया अलग अलग। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है अगर अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं आईटीआई परीक्षाओं में, या फिर अभी हम बिहार के लिए भी कोर्स लेकर आ रहे हैं, बिहार विद्युत विभाग की जो वैकेंसी है, तो 20 मार्च को हमारा कोर्स आ रहा है। अगर आप उसकी तैयारी करना चाहो तो आप जुड़ सकते हो। ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप आदि से डाउनलोड कर लो। बाकी ये जो प्रोसेस है आप इसको सीरियस लो, सभी बच्चों को बता दो जो भी उत्तर प्रदेश के हैं। बाकी अभी अन्य प्रदेश में देखिए, समस्याएं तो पूरे भारत में आ रही होंगी ना, बच्चों की आर नहीं जनरेट हो रहे होंगे, तो आप लोग अपने अपने कॉलेज से संपर्क करिए। जितने भी बच्चे आप जिस भी स्टेट के हैं, अपने अपने आईटीआई कॉलेज से संपर्क में रहिए। आप अपने से घर बैठे या यूट्यूब पर ढेर सारा ज्ञान मिलता है, तो यूट्यूब में बहुत सारा ज्ञान फर्जी भी होता है, तो किसी भी प्रकार के यूट्यूब वाले ज्ञान के भरोसे मत बैठे रहिएगा कि मैं ऐसे कर लिया हूँ तो मेरा हो जाएगा, कोई आपसे कहेगा अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लो, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना। आपका आईटीआई कॉलेज जो कहता है वो फॉलो कीजिए, क्योंकि लास्ट में जिम्मेदारी आपका आईटीआई कॉलेज ही लेगा। और सब छोड़कर चले जाएंगे, वीडियो हटा लेंगे, डिलीट कर लेंगे, उनके व्यूज़ हो जाएंगे, काम खत्म। मैं भी यूट्यूब पर हूँ, इसलिए मैं भी कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ के भरोसे मत रहिए। इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, आपको बोलता हूँ कॉलेज जाइए, तो आपको कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको कॉलेज भेज रहा हूँ तो मैं तो आपके कॉलेज को जानता भी नहीं, ना तो आपका कॉलेज मुझे जानता है, लेकिन मैं जानता हूँ एक बच्चे और एक कॉलेज के अलावा आपके जितना भी प्रोसेस है उसमें एक थर्ड पार्टी 1 रुपए की भी उसमें कुछ भी योगदान नहीं कर सकता, मतलब 1% भी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ वो कहानी बता सकता है। करना आपको और आपके कॉलेज को है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।